15 अगस्त की पूर्व संध्या पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव में देश में व्यापक रूप से वृक्षारोपण अभियान कर और वर्षों से जो अमृत मिलता है वो संपूर्ण देश की जनता पिए, क्योंकि पेड़ लगाने से जहाँ पर्यावरण सुरक्षित रहता है उसके साथ हमें औषधि मिलती है, हमें फल मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। हमें 75 साल की इस विकास की यात्रा के अंदर हमारा एक व्यापक अभियान होना चाहिए कि हम देश के हर क्षेत्र में फल वाले पौधे भी लगाएं और अन्य पौधे भी लगाएं, ताकि हम विश्व के अंदर पर्यावरण के रूप में सबसे अग्रणी देश बने। क्यों, बदलते जलवायु परिवर्तन में सारा विश्व जहाँ चिंतित है और भारत विश्व में सबसे अग्रिम देशों के रूप में नेतृत्व कर रहा है, इस समय सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ी भौगोलिक स्थिति होने के कारण हम 75 साल होने के बाद एक व्यापक संकल्प के साथ, एक व्यापक अभियान के साथ देश को पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चलाएंगे और जलवायु परिवर्तन के होने वाले प्रकोपों से बचने का एक व्यापक निर्णय करेंगे। मैं देश के नौजवानों, विद्यार्थियों को आह्वान करना चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी के अंदर हर वर्ष एक पौधा लगाएं, उसका संरक्षण करें और अपनी आंखों से उसका बड़ा होकर देखें, और उसमें विशेष रूप से फलदार पौधे लगाएंगे तो उसका फल लोगों को मिलेगा, उसका अमृत सबको मिलेगा। इसके लिए मैं सभी नौजवानों को आग्रह करना चाहता हूँ।